20 बेस्ट कुकिंग टिप्स जो आप देखकर कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया। कुकिंग में कुछ टिप्स ऐसे होते हैं जिसकी मदद से आप टेस्टी खाना फट से बना सकते हैं और वो भी बहुत ही स्वादिष्ट। नीचे लिखी हुई ये सारे टिप्स बहुत ही साधारण है क्योंकि मैंने ये सारे टिप्स आजमा कर देखे हैं और मुझे बहुत पसंद आया, तब मैं सोची कि ये टिप्स आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम बहुत जल्दी में होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम टाइम देकर सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकें, तो उस टाइम यही दिमाग में चलता है कि कम टाइम में चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जा सके। तो यही सारी प्रॉब्लम को हम करने के लिए आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आइए जानते हैं। बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आप अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बेस्ट कुकिंग टिप्स नंबर एक, पराठों को टेस्टी बनाने के लिए आटे में उबला हुआ आलू कद्दूकस करके मिला लें। नंबर दो, पराठे अगर ऑयल या घी की जगह बटर में सेके जाए तो अधिक टेस्टी बनते हैं। नंबर तीन, ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप सत्तू मिलाएं, इससे ग्रेवी तो गाढ़ी होगी साथ ही टेस्टी भी हो जाएगी। नंबर चार, पकौड़े बनाते समय अगर उसके घोल में एक चुटकी अरारोट, थोड़ा सा गर्म ऑयल मिला दिया जाए तो पकौड़े अधिक कुरकुरे और टेस्टी बनते हैं। नंबर पाँच, पकौड़े सर्व करते समय इस पर चाट मसाला छिड़के, इससे अधिक टेस्टी लगते हैं। भिंडी नंबर छः, भिंडी को ज़्यादा समय तक फ्रेश रखने के लिए उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें। नंबर सात, नूडल्स उबालते समय उबले हुए पानी में थोड़ा सा नमक और तेल डालें और निकालने के बाद उन्हें ठंडे पानी से धोएं, नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं। नंबर आठ, रायते में हींग जीरा भूनकर डालने के बजाय अगर आप हींग जीरे का तड़का लगाएं तो रायता ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। नंबर नौ, राजमा या उड़द की दाल बनाने के लिए पानी में उबालते समय नमक नहीं डालें, जल्दी पकेगी नहीं, नमक दाल गलने के बाद ही डालें। नंबर 10, पूड़ियाँ खस्ता बनाने के लिए आटा लगाते समय उसमें एक चम्मच सूजी या चावल का आटा मिला दें, इससे पूड़ियाँ खस्ता बनेंगी। नंबर 11, आटे में एक छोटी सी चम्मच चीनी डालकर आटा लगाने से पूड़ियाँ फूली फूली बनती हैं। नंबर 12, पनीर अगर टाइट हो तो उसमें चुटकी भर नमक मिला लें, गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए रख दें, पनीर नरम हो जाएगा। नंबर 13, चावल पकाते समय पानी के साथ नींबू का रस मिलाने से अधिक खिले खिले व सफ़ेद व टेस्टी बनते हैं। नंबर 14, प्याज को फ्राई करते समय हल्की सी चीनी डालने से प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। नंबर 15, एक कप नारियल पानी में 2 ब्रेड और 1 चम्मच चीनी डालकर ब्लेंड कर लें, इसे इडली के घोल में मिलाने से खमीर अच्छा उठता है। नंबर 16, दही जमाने के लिए जामन नहीं है तो गुनगुने दूध में एक हरी मिर्ची डालकर रखने से भी दही तैयार हो जाता है। नंबर 17, तंदूरी चपाती को नरम बनाने के लिए आटा लगाते समय उसमें थोड़ा सा दही मिला लें और गुनगुने पानी से आटा लगाएं, तंदूरी चपाती और सॉफ्ट क्रिस्पी बनेगी। नंबर 18, दाल के चिल्ले बनाते समय घोल में 2 बड़े चम्मच चावल का आटा मिला लें, चिल्ले खस्ते और क्रिस्पी बनेंगे। नंबर 19, इडली डोसे का मिक्सर खट्टा हो गया हो तो इसमें नारियल का दूध मिला लें, खट्टा पर निकल जाएगा। नंबर 20, पनीर बनाने के बाद बचे हुए पानी से आटा लगाने से तंदूरी चपाती नरम बनती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।